तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिकरेंस फार्मूला और लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 और 3 को प्रूफ किया। आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 और 6 को एक एक करके प्रूफ करेंगे। सो रिकरेंस प्रॉपर्टी नंबर 4 इज Pn dash x, that is first order derivative of Legendre polynomial, is equal to x times Pn minus 1 dash x plus n Pn minus 1 x। इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 1। सो पहले हम रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 1 को लिख लेंगे। सो रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 1 है हमारा n plus 1 pn plus 1 x is equal to 2n plus 1 x pn x minus n pn minus 1। तो इसको थोड़ा अरेंज करके हम लोग लिख लें। तो अरेंज करके लिखने से हमारा टर्म हो जाएगा n plus 1 pn plus 1 2n plus 1 x pn minus n pn minus x। यहाँ पे हम लोगों ने x को ओमिट कर दिया है। x को हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अंडरस्टूड है कि जो p है pn वो x का फंक्शन है। Now, in this equation, replacing n by n minus 1. So, the first term will be n minus 1, that is plus 1 is equal to n of pn. Ye hamara ho jayega 2n minus 1 x pn minus 1. And this term will be n minus 1 pn minus 2. Now, differentiating the above equation with respect to x. Is equation ko x ke respect mein differentiate karenge. So, LHS हो जाएगा हमारा n pn dash x is equal to u into v के मेथड से ये डिफरेंशिएट होगा। तो फर्स्ट टर्म में x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2n minus 1 pn minus 1 एंड नेक्स्ट टर्म में x कांस्टेंट pn minus 1 का डिफरेंशिएशन, सो pn minus 1 dash minus n minus 1 pn minus 1 का डिफरेंशिएशन हो गया pn minus dash। नाउ हम लोग इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे विद द यूज ऑफ फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 एन पी एन माइनस डैश और एन 2n माइनस एक्स पी एन डैश 2n माइनस एन पी एन माइनस 2 के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग लिखेंगे। सो फर्स्ट हम लोग क्या करें कि ये इक्वेशन को सेम टू सेम यहां पर लिख लिए राइट हैंड पार्ट में, और लेफ्ट हैंड बाकी जो टर्म है ये दो टर्म, इस दो टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड पार्ट में लेके आ गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2n pn x टाइम्स pn माइनस 1 माइनस ऑफ x pn माइनस 1। तो जो सेकेंड टर्म होगा माइनस वाला उसको हम लोग इसके साथ पुट कर देंगे पहले वाले टर्म के साथ। सो ये हो जाएगा n pn माइनस डैश और इसका जो सेकेंड टर्म है माइनस ऑफ एक्स पी एन माइनस डैश एक्स, तो ये हो गया। नेक्स्ट यहां पे रह गया हमारा 2n इंटू एक्स पी एन माइनस डैश एक्स और नेक्स्ट ये रह गया 2n माइनस 1 पी एन माइनस 1। तो दोनों के जगह पे हम लोग ये पुट कर दिए, दोनों में n माइनस 1 कॉमन, x टाइम्स पी एन माइनस 1 डैश माइनस पी एन माइनस 1 डैश। Now we have n same to same, इसको हम लोग यहां लिख लिए। यहां पे हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 हम लोग देख लें। फॉर्मूला नंबर 2 है हमारा रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 2 n pn is equal to this। किस फॉर्मूला को हम लोग यहां यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n minus 1 pn minus 1 2n minus 1 pn minus 1। This will be same as it is। और ये n minus 1 और n minus 1 multiply के हो जाएगा n minus 1 का square। और इसको हम लोग right hand part पर लेके जाएंगे। तो ये minus है, तो इसका plus हो गया n minus 1 का square। और ये पहले से 2n minus 1 pn था, तो 2n minus pn लेके। इस दो equation को इसको हम लोग bracket के अंदर के term को solve करेंगे, तो इसका हमारा solution आएगा सीधा सीधी n square। यहाँ पर भी n का टर्म है, यहाँ पर भी n स्क्वायर का टर्म है, तो एक n हमारा दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा pn dash minus x pn minus dash is equal to n times pn minus 1। सो ये हमारा फोर्थ रिकरेंस फॉर्मूला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ नंबर, x minus x स्क्वायर minus 1
pn dash x is equal to n x pn minus pn minus 1। अब फिफ्थ नंबर पे आते हैं। इसके लिए हम लोग को दो रिकरेंस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, एक रिकरेंस नंबर 2 और रिकरेंस नंबर 4। तो रिकरेंस नंबर फॉर्मूला 4 और रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 2 को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेंगे एंड देन इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। सो जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये n x हो जाएगा, और जब इससे इसको हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर टर्म रहेगा 1 और यहाँ पे x स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस x और फिर ये n pn और n x pn कॉमन लेंगे तो हमारा टर्म जो कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होने के बाद ये टर्म इजिली प्रूव हो जाएगा फ्रॉम नंबर 5। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पी एन डैश एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1 पी एन प्लस 1 एक्स माइनस एक्स पी एन एक्स। इसको भी हम लोग जैसे फिफ्थ नंबर को हम लोगों ने सॉल्व किया वैसे ही सिक्स नंबर को भी सॉल्व करेंगे। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला नंबर 2 रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 1 दैट इज एन प्लस 1 पी एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एन प्लस 1 एक्स पी एन माइनस एन पी एन माइनस 1। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अगर हम लोग 2n को ब्रेक कर दें n प्लस 1 और n के रिस्पेक्ट में, मतलब इसे हम लिख सकते हैं n प्लस n प्लस 1, और n प्लस 1 वाले टर्म को अगर हम राइट हैंड पार्ट में लेके जाएं तो ये हमारा हो जाएगा दोनों, यहां पर भी n प्लस 1 और यहां पर भी n प्लस 1, ये दोनों टर्म रहेंगे तो दोनों में n प्लस 1 कॉमन, तो ये हो जाएगा पी एन प्लस 1 और ये हो जाएगा x टाइम पी एन। तो यहाँ पर रह गया टर्म हमारा n टाइम्स x pn, तो n टाइम्स x pn और n टाइम्स pn माइनस, दोनों में n कॉमन, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट फ्रॉम द रिकरेंस नंबर नंबर 5, अभी 5 हम लोगों ने प्रूफ किया, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 5 में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 pn डैश इज इक्वल टू n, ये टर्म पहले ये टर्म बाद में आ जाएगा, तो n x pn माइनस pn माइनस 1, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड पार्ट इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड पार्ट दोनों के इक्वल होंगे, सो x स्क्वायर माइनस 1 pn डैश इज इक्वल टू n प्लस 1 pn प्लस 1 प्लस x pn। सो ये हमारा 6 नंबर भी प्रूव हो गया। सो ये हमारा रहा रिकरेंस फॉर्मूला ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस टॉपिक का लास्ट एक है कुछ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी एंड जो रिकरेंस प्रॉपर्टी हम लोगों ने 6 पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। सो हमारा 10 लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।